99 के न्यूज चैनल सच का साथ की खबर गाजीपुर से आ रही है। गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के अंतर्गत जहां पर आपको बता दें कि राजपुरा गांव के कोटेदार योगेंद्र यादव इन दिनों सोशल मीडिया पर राशन कम तोलने का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के राजूपुर गांव में कोटेदार योगेंद्र यादव का इन दिनों सोशल मीडिया पर राशन कम तोलने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी जानकारी मीडिया को भी हुई। तब पूरी जानकारी जनपद के विभाग को अधिकारी को बताया गया तो वीडियो देखकर कार्रवाई करने की बात कही। सरकार की मंशा के अनुरूप विभाग अपनी बात को कहता है, लेकिन उसका कितना अमल कर पाता है ये वीडियो में आप देख सकते हैं। कोटेदार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहीं से राशन कम मिल रहा है और कमीशन भी कम मिल रही है, जिसके कारण राशन कम दे रहा हूं अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। जब इसकी जानकारी जिला पूर्ति अधिकारी को बताई गई तो उनका जवाब आप ही के द्वारा जानकारी मिल रही है, पूरी जानकारी कर कार्रवाई की बात कहते इतिश्री कर ली। सूत्रों की जानकारी के अनुसार गाँव के लोगों का कहना है कि हर महीने का लगभग इनका यही काम है। आपके द्वारा ही फोन सर दूरभाष पे बताया गया था कि उसमें इस तरह की शिकायतें हैं, शायद गढ़तौली का प्रकरण है। तो जो भी है, देखिए सरकार की जो नीतियां हैं, जो मंशा है, और उसके अनुरूप जो है खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए पूरा प्रशासन जो है प्रतिबद्ध है, और इसमें कोई भी अगर इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता करता है तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें एक तरह से ये आ रहा है कि जो कोटेदार है वो ये कह रहा है कि मतलब ऊपर से ही हम लोग को सामान कम मिल रहा है, इसलिए कम दिया जा रहा है, इस तरह के मतलब बयान जारी कर रहा है। कोई क्या कहता है, मैंने इसके लिए इस पर तो कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको कहा कि अनियमितता अगर किसी रूप में भी की गई है तो पूर्व में भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगातार उसमें है, आगे के लिए भी है। और आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ, जो भी इस तरह की किसी प्रकार की कोई अनियमितता करेगा वितरण संबंधी, उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। वीडियो में आपने स्वयं देखा, वीडियो के द्वारा क्या आपको लगता है कि वो कार्रवाई करने लायक है कि नहीं है? जांच के बाद ही इसके बारे में कोई टिप्पणी कर पाऊंगा। इतना ही बहुत है। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन